हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 तो है। क्वेश्चन पूछा गया आपको ये 2017 के अंदर 2 मार्क्स में। द कंपोजिशन ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट सैंपल इज गिवन बिलो। कंपोजिशन गिवन है कि कौन कौन से कंपोनेंट है आपके सॉलिड वेस्ट के अंदर। फूड वेस्ट हो गया, पेपर, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, गार्डन ट्रिमिंग, वुड, टिन कैंस। एंड यहाँ पे आपको गिवन है परसेंटेज जो है मास के, टोटल मास का कितना परसेंटेज है आपका वुड, कितना है पेपर और कितना है आपका कार्डबोर्ड, प्लास्टिक। इसी तरह से यहाँ पे गिवन है मॉइस्चर कंटेंट कि उस कंपोनेंट के अंदर कितना मॉइस्चर कंटेंट है, और यहाँ पे गिवन है एनर्जी कंटेंट आपको डिस्कार्डेड बेसिस। तो आपको वैल्यू फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी कंटेंट ऑफ द वेस्ट सैंपल कैलकुलेटेड ऑन ड्राई बेसिस एंड डिस्कार्डेड बेसिस। ड्राई बेसिस और डिस्कार्डेड बेसिस में एनर्जी का जो डिफरेंस है वो आपका आंसर वो आएगा किलो जूल पर केजी के अंदर। तो सबसे पहले अपन आते हैं टेबल के ऊपर। तो टेबल में देखिए तीन वैल्यूज आपको गिवन है, परसेंटेज बाय मास, मॉइस्चर कंटेंट एंड एनर्जी डिस्कार्डेड। पूछ रहा है कि ड्राई कंटेंट कैसे निकाले। सबसे पहले ड्राई कंटेंट की बात करें तो ड्राई कंटेंट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है आपका टोटल ड्राई मास का, ये हो गया आपका ड्राई कंटेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू परसेंटेज बाय मास। तो देखिए सबसे पहले कि ये वैल्यू जो है आपकी ये कैसे आई, तो ड्राई कंटेंट 30 की बात करें तो कितना, अगर किसी बात करें किसी मॉइस्चर कंटेंट 70 है, ड्राई कितना होगा 30 होगा, तो 100 माइनस 70 कर दिया तो यहाँ पे आगे वैल्यू 30। इसी तरह से मॉइस्चर कंटेंट है 4, तो 100 माइनस 4 किया 96 आ गया, तो ये वैल्यूज तो आ गई। टोटल ड्राई मास का फॉर्मूला है ये, टोटल ड्राई मास का फॉर्मूला। तो ड्राई कंटेंट आपका कितना था 30, फर्स्ट स्टेप के लिए 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20, तो ये हो गया आपका 5 और यहाँ पे आ गया आपकी वैल्यू 6। ठीक है, सेकेंड बात करें पेपर के लिए तो आपका फॉर्मूला है ड्राई कंटेंट मतलब 96 डिवाइडेड बाय 100 इनटू परसेंटेज बाय मास कितना है 10, तो हो गया आपका 9.6। इसी तरह से ये दोनों टेबल हो गई। अब आते हैं टोटल एनर्जी ऑन डिस्कार्डेड बेसिस कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है। उसको कैलकुलेट करने के लिए अपन को करना है क्या, 6 डिवाइडेड बाय 30 इनटू 2500 मतलब टोटल ड्राई मास डिवाइडेड बाय ड्राई कंटेंट इनटू एनर्जी, तो ये हो गया आपका 2, तो 25 इनटू 250 इनटू 2 500 किलो जूल पर केजी। सेकंड एक और सॉल्व कर लेते हैं आपका, तो टोटल ड्राई मास कितना है 9.6 डिवाइडेड बाय ड्राई कंटेंट कितना है 96 इनटू 10,000, तो यहां से आपने कैलकुलेट किया तो ये यहां से आपकी वैल्यू आ गई 1000 किलो केजी। ठीक है, किलो जूल पर केजी ये हो गया। तो इसी तरह से ये वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं और ये वैल्यू गिवन ही है, टोटल ड्राई मास और ड्राई कंटेंट आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आती है सभी का समेशन किया कि टोटल ड्राई मास कितना है आपका, जब समेशन किया तो आ गया वैल्यू 60 और टोटल एनर्जी अपने आपने देखी तो आ गया 5805 केजी किलो जूल पर केजी। अब बोला है इन करंट सिचुएशन ओनली 60% इस ड्राई एनर्जी के, इसमें ड्राई मास कितना है 60, ड्राई एनर्जी कितनी होगी 60% होगी और उसका वैल्यू कितनी आई 5805 किलो जूल पर केजी। अगर बात करें कि 100% ड्राई मास होगा, अगर 100% ड्राई मास होगा तो एनर्जी कितनी होगी, तो 5805 डिवाइड बाय 60 इनटू 100 किया तो यहाँ से जो वैल्यू आई वो कितनी आई आपकी 9675 किलो जूल पर केजी। ये आ गया आपका टोटल एनर्जी आ गई। टोटल एनर्जी में से अपन क्या माइनस कर देंगे, अपन माइनस कर देंगे ड्राई एनर्जी या डिस्कार्डेड एनर्जी, तो उसका डिफरेंस ही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 9675 माइनस कितना आया था आपकी वैल्यू 5805, तो यहाँ से आपका वैल्यू मिल गई 3870 किलो जूल पर केजी। ये पूछा था द वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन डिस्कार्डेड एंड ड्राई बेसिस, ड्राई बेसिस एंड डिस्कार्डेड बेसिस, तो अपन ड्राई बेसिस निकाला तो यह था अपना 9675 किलो जूल पर केजी और ड्राई बेसिस जो आपने कैलकुलेट किया वो कितना था 5805, दोनों का डिफरेंस जो था वो डिस्कार्डेड बेसिस और ड्राई बेसिस का वो आ गया 3870 किलो जूल पर केजी। थैंक यू। इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।